हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इवोल्यूशन, और इस चैप्टर से मैं आपको 60 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक TGT और PGT। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, लाइफ ओरिजिनेटेड इन प्री कैम्ब्रियन एरा। अब आप बोलोगे प्री कैम्ब्रियन एरा कौन सा होता है, कैसा होता है? प्री कैम्ब्रियन एरा इज वन ऑफ द फोर एराज इन अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जो चार एरा ना आपके, एक आपका प्री कैम्ब्रियन आ गया, फिर इसके बाद पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक, फिर सीनोजोइक एरा, जहाँ हम जी रहे हैं। हम कहाँ जी रहे हैं? हम जी रहे हैं सीनोजोइक एरा में। तो जो प्री कैम्ब्रियन एरा है आपका, वो सबसे पहला अर्लीस्ट एराज है। प्री कैम्ब्रियन एक्चुअली मीन पीरियड बिफोर द कैम्ब्रियन पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक एरा। यानी जो पैलियोजोइक एरा का यहाँ पे कैम्ब्रियन पीरियड होगा ना, इधर एराज है, ठीक है, इधर एराज है, फिर यहाँ पे पीरियड्स आएंगे, फिर एपोक आते हैं। क्या आते हैं? इधर पीरियड्स आए, फिर एपोक आते हैं, इस तरह से। तो जो पैलियोजोइक एरा का कैम्ब्रियन पीरियड है, उसके पहले वाला जो एरा है उसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। ये भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक एजोइक जहाँ पे कोई लाइफ नहीं होती है, आर्कियोजोइक जहाँ पे लाइफ होती है पर इनविजिबल होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, और प्रोटेरोजोइक जहाँ पे कहा जाता है कि एज ऑफ अर्ली लाइफ। फिर प्रोटेरोजोइक के तुरंत बाद क्या हो जाता है शुरू आपका, वो होता है पैलियोजोइक शुरू, उसका जो है वो कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। फिर आपका ऑर्डोविशियन सुना होगा आपने, फिर सिलूरियन, डेवोनियन, उस तरह से आपका चलता रहता है। फिर जैसे ये ख़त्म हो जाए पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक एरा, फिर सीनोजोइक एरा, जिस एरा में हम रह रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोएसिवेट्स आर किससे बने होते हैं? कोएसिवेट्स, कोएसिवेट बने होते हैं आपके प्रोटोबायोन्स, जिसके पास पॉलीसेक्राइड प्रोटीन और वाटर हो, तीन चीज़ें हो कार्बोहाइड्रेट में, यानी पॉलीसेक्राइड प्रोटीन और वाटर, उसको बोलते हैं कोएसिवेट्स। डेवलपमेंट ऑफ अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड अडेप्टिव कन्वर्जेंस। दोस्तों, अगर मेरे आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, और मैंने ऑलरेडी आपको 30 से 32 लेक्चर पढ़ा दिए, जितने भी आपके 11th बायोलॉजी का सिलेबस है और अभी तक का 12th का। आगे जो है 6-8 लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा TGT और PGT का। और आपको ये भी पता होगा मैं आपको टू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, कंसेप्ट बेस्ड और मेमोरी बेस्ड। इस चैप्टर में ज़्यादातर जो मेमोरी बेस्ड रहने वाले हैं, जिसमें कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस। की ब्रेन कैपेसिटी कितनी होती है आपने बिल्कुल मेमोरी में बिठा के रखना है, 800 से 1300 के CC के अंदर। अब एक बात आती है भाई, मेमोरी किस में मापी जाती है? वो CC में मापी जाती है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, जो ये जो आपकी कैपेसिटी मानी मेजर की जाती है ब्रेन कैपेसिटी। द जुरेसिक पीरियड बिलोंग्स टू द एरा मीजोजोइक एरा। जो मीजोजोइक एरा के अंदर आता है जुरेसिक पीरियड्स, और आपका और क्या आता है क्रेटेशियस पीरियड, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड जो है वो मीजोजोइक एरा के अंदर आता है, ठीक है। एक और पीरियड आता है जो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा पीरियड्स आता है, बहुत इजी पीरियड्स है तीसरा इसके अलावा। सीनोजोइक एरा इज नोन एज एज ऑफ मैमल एंड मॉडर्न फ्लोरा। मैंने पहले ही बोल दिया ना, जो सीनोजोइक एरा है उसमें हम उसमें आते हैं, तो एज ऑफ मैमल्स या मॉडर्न फ्लोरा किस में आते हैं? वो आते हैं सीनोजोइक एरा के अंदर। इसमें बहुत सारे पीरियड्स आते हैं, बहुत सारे एपोक आते हैं अंदर, जो आपने स्टडी करने में डिटेल में इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दी है। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर होमोलॉजी। होमोलॉजी के लिए कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से आपने देखा? सो होमोलॉजी का मतलब क्या होता है आपका? होमो मीन्स सेम, जिसका जो स्ट्रक्चर है संरचना है वो सेम हो और फंक्शन अलग अलग हो, होता है आपका होमोलॉजी। तो इसका एग्जांपल जो है आपका थॉर्न्स और टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड ककरविटा। डैश डैश इज एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन के जो एग्जाम्पल है आपके, हमने पढ़ा हुआ आपका, वो है डार्विन फिंचेज और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, जो अडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल है। कोएसिवेट्स वर एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड बाई सिडनी फॉक्स एंड ओपेरोन ने जो है कोएसिवेट को प्रोड्यूस किया था। बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई द लेमेट्री ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ इवॉल्व इन वाटर एंड एविडेंस इंडिकेट दैट लाइफ ओरिजिनेट इन वन ऑफ द फॉलोइंग एरा, दैट इज द प्रोटेरोजोइक। जो हमारे अर्थ में पहली लाइफ आई वो वाटर से इवॉल्व हुई, और किस एरा में हुई थी? वो प्रोटेरोजोइक में। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज बाई डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। ये आपने याद रखना है कि कन्वर्जेंस मतलब कि जो अलग अलग एंसेस्ट्री से डेवलप हुए होंगे, और आपके जो है देखो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ए
कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, यानी जो अलग अलग एंसेस्टर से इवॉल्व हुए बट उनके जो कैरेक्टर है वो आपके कॉमन शो करते हैं, उनको बोलते हैं आपके कन्वर्जेंस, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस, यानी पहले अलग थे बाद में कन्वर्ज हो गया फंक्शन उनका। और डाइवर्जेंस क्या होता है, पहले उनका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है बाद में फंक्शन जो है उनका अलग अलग डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेज आर रिलेटेड टू द डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस से कौन से यहाँ पे एविडेंसेज आपसे जो रिलेट कर रहे हैं, वो आपके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज ए अडेप्टिव रेडिएशन, का मतलब भी आपका यही है जिसके हमने देखे थे ना एग्जाम्पल आपके, मैंने आपको यहाँ दिखाया था। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ एक क्वेश्चन जो है वो सेम होते हैं, आपने जो है वो ध्यान रखना होता है कि कहाँ से मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे जो ये अडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल आपको डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। ये क्या है कि सेम ज्योग्राफिकल एरिया से जो है वो ग्रो होते हैं बट डाइवर्ज हो जाते हैं, फिर इनके जो है स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ अलग अलग हो जाता है, आपको उसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशंस। इवोल्यूशन ऑफ मैन टुक प्लेस इन सेंट्रल अफ्रीका, द रिसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन वर, रिसेंट हमारे एंसेस्टर कौन है, हमारे जो बुजुर्ग है रिसेंट वो कौन है, वो है क्रो मैग्नॉन मैन एंड आपका नियंडरथल मैन, दो है आपके क्रो मैग्नॉन और नियंडरथल मैन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरा मैन वॉज ओरिजिनेटेड, प्लायोसिन, प्लायोसिन एरा से जो मैन ओरिजिनेट हुए, द फर्स्ट प्रोबेबल फॉसिल ऑफ मैन वॉज, जो फर्स्ट जो फॉसिल्स हमें मिले थे वो मिले थे हमें रैमोपिथेकस के, होमो इरेक्टस इज द जोलॉजिकल नेम ऑफ पैकिंग मैन, जो पैकिंग मैन है उनका जोलॉजिकल नेम क्या था, होमो इरेक्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ट्रांजिशनल स्टेज, यानी कनेक्टेड लिंक बिटवीन द एप्स एंड ह्यूमंस के बीच, वो है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो आपका रेमिडस है वो आपकी ट्रांजिशन फेज है आपकी एप्स और मैमल्स के बीच, ह्यूमन के बीच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर मैमल्स आर, वो है ग्रेटर क्रैनियल कैपेसिटी जो है वो ह्यूमन बींग की वो बहुत ज़्यादा है अदर मैमल्स से, कितनी है मैंने बताया ना आपको 800 से 1300 सीसी के बीच। इवोल्यूशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज इन द आर्कियोजोइक एरा में, कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन एंड चिंपेंजी इज वेस्ट बाई क्रोमोजोम नंबर जो है वो बिल्कुल लगभग सेम होते हैं। पैरेललिज्म इज ए अडेप्टिव कन्वर्जेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इन इवोल्यूशन, मतलब जो है अडेप्ट कर लेना बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच। आर्कियोटेरिक्स एक ट्रांजिशनल फॉसिल्स बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल के बीच अगर ट्रांजिशन होती है वो किसके फॉर्म होती होती है आर्कियोटेरिक्स के बीच में, वो डिस्कवर किस एरा में हुआ था, किस पीरियड्स में हुआ था, वो था जुरासिक पीरियड्स में। व्हाट इज जो एथनोबॉटनी किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल जो प्लांट्स है उनके यूज है, प्लांट लोर है, उन्हें जो है एथनोबॉटनी कहा जाता है, यानी जितने भी आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं ना जो बुजुर्ग के पास पता होता है ना उनके यूजेस, उनको बोलते हैं एथनोबॉटनी। हु कॉल्ड बर्ड्स एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, ये हक्जले ने कहा था कि बर्ड्स जो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल है, क्यों कहा था, जनरली बिलीव दैट बोथ मैमल्स एंड बर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स, आर्कियोटेरिक्स के आइस के बीच एक कनेक्टिक लिंक है, फॉसिल बर्ड्स शोइंग बोथ रेप्टाइल और बर्ड्स के दोनों के फीचर शो करता है आपका आर्कियोटेरिक्स, हेंस बर्ड्स वर कॉल्ड ग्लोरीफाइड रेप्टाइल बाई हक्जले, ही वॉज नोन एज डार्विन्स बुलडॉग फॉर हिज एडवोकेसी ऑफ चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स, आपका जो लैटिमेरिया है उसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, कौन सी आपकी लैटिमेरिया को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। फर्स्ट एनिमल टू फ्लाई वर इंसेक्ट्स, इन विच एरा रेप्टाइल्स वर डोमिनेटेड, दैट इज द मीजोजोइक एरा, रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट ड्यूरिंग क्रेटेशियस पीरियड्स, होमो सेपियंस हैव इवॉल्वड इन द प्लेस्टोसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रेजेंट इन प्रिमिटिव अर्थ, हाइड्रोजन और मीथेन जो प्रिमिटिव अर्थ में पाई जाती थी। यूवायंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, यूवायंट्स को जो है प्री सेल कहा जाता है, प्रोटो सेल कहा जाता है, प्रोटोबायंट्स कहा जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका जो आंसर आएगा। एंजियोस्पर्म्स अक्रॉस इन द क्रेटेशियस पीरियड्स, हार्डी एंड विनबर्ग प्रपोज्ड ए प्रिंसिपल फॉर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए, इन्होंने सब कुछ उल्टा ही बोला था हार्डी विनबर्ग ने।
Hardy-Weinberg law is applicable to genetic equilibrium. Hardy-Weinberg law applicable to genetic equilibrium. The Hardy-Weinberg equilibrium is a principle stating that genetic variation in a population will remain constant from one generation to the next generation. ठीक है. When mating is random in large population with no disruptive circumstances, the law predicts that both genotype and allele frequency will remain the constant because of the equilibrium. Darwin's finches are an example of adaptive radiations or divergent evolution. बहुत बार ये क्वेश्चन जो रिपीट हो गया दोस्तों. The Java man is considered to have existed in Java and China. Which of the following fossil man was expert in making tools and weapons? That is the Cro-Magnon man. Smallest man like ape, कौन सा ऐप का वो है? G1 यानी G1 जो भी आपने पढ़ना है पढ़ो. Golden age of fishes is the name of Devonian period. The dominant plant groups of Cenozoic era is flowering plants. Tendrils in plants are an example of convergent evolution. मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है. Which one is egg of fish? That is the Devonian. First photosynthetic organism to appear on earth were Cyanobacteria जो है यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है वो सबसे पहले अर्थ पर डेवलप हुआ था. First seed plants appeared in Devonian era. Origin of first toothed birds and gymnosperms took place during which era? That is the Jurassic era. The age of rock is calculated on the basis of ratio of amount of lead to uranium. Closest primate to man is gorilla. Mesozoic era is known as golden age of reptiles. Concept of life forms was given by Roniker. ठीक है दोस्तों. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद. आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और आपका सिलेबस जो है 10 दिन के अंदर जो है ओवर हो जाएगा. सो धन्यवाद.